मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। इस वक्त मैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कि पीछे भारी संख्या में यहाँ पे शिक्षक मौजूद है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए यहाँ पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या गवर्नमेंट से क्या शिकायतें हैं और क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जावेद है। और आपकी क्या शिकायतें? शिकायत यही है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं, हम 400 रुपये में 4 महीने नेट चलाते हैं। हमारे माननीय MLA हों या MPs हों, कोई मंत्री हो, 15,000 रुपये में 1 महीने में नेट चलाते हैं, जिसका इस्तेमाल भी वो नहीं करते क्योंकि उनके काम उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो करते हैं। उसके अलावा अगर कोई माननीय एक दिन के लिए किसी पद पर बैठ जाता है, वो मंत्री के पद पर बैठे, MLA MP के पद पर बैठे, उसके 100% पेंशन फिक्स। और जो हम लोग, हमारा ग्रुप शिक्षक विभाग ही नहीं, प्रत्येक विभाग, किसी भी विभाग को पेंशन के नाम पे इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। जो पैसा हमारा 10% GPF की में कटता था, वो अब पैसा उसमें जो इन्होंने कंपनीज़ के उसमें शेयर मार्केट में लगाया, जहाँ भी लगाया, ना तो हमें पता है ना गवर्नमेंट को पता है कि हमारा पैसा कहाँ गया है। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, उत्तराखंड के अंदर ही 365 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का नई पेंशन प्लान स्कीम के अंदर काटा गया था, उसका यही नहीं पता कि कहाँ चला गया होता। तो हमारी एक मांग सिर्फ यही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। नई पेंशन में से क्या प्रावधान है जिसकी वजह से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम, मेरा नाम तरुण नवई और रामगढ़ ब्लॉक से हूँ मैं, शिक्षा विभाग से ही। और पुरानी पेंशन योजना जो इन्होंने 2004 से बंद कर दी है, और अगर जैसा हमारे साथी सर ने कहा कि 2004 से जो बंद हुई है, और बाकी अगर MLAs और MP की बात करें, जिस भी, अगर वो जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन सभी लोगों की उतनी पेंशनें लग जाती हैं। और अगर हमारी बात है तो हम 2004 से सारे लोग आंदोलनरत हैं और आज हमारी जो, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारा बस एक यही हमारी मांग है कि ये पेंशन की बहाली करें, वरना हम लोगों को, अभी तो हम एक जिले वाइज कर रहे हैं, एक बड़ा उग्र आंदोलन भी हो सकता है सड़कों पे, क्योंकि हम लोग आने वाले समय में, क्योंकि NPS जो है वो हमें आने वाले समय में, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि 600 रुपये या 700 रुपये महीना लोगों को पेंशन मिल रही है, और आने वाले समय में अगर 30 साल बाद भी कोई रिटायर होगा तो उसको 600 या 1000 या 1500 रुपये से क्या गुजारा होगा, ये तो आप सभी समझ सकते हैं। तो अपनी एक ही मांग है कि NPS गो बैक एंड ओल्ड पेंशन जो है वो हमको वापस चाहिए। थैंक यू। सर, हाँ मैम, मैं जो हूँ जनवरी में रिटायर हो रहा हूँ, मार्च में 31 मार्च तक मेरा 17 लाख के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, और मेरी जो पेंशन बैठ रही है 2800 कुछ रुपये महीने बैठ रही है। अब आप, आज हमारे अखबार में मैं पढ़ रहा था कि अगले जो आंगनबाड़ी वाले हैं उनकी कर्मचारियों को 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी, मेरी पेंशन उनसे कम बैठ रही है। मैं 14 साल सर्विस करने के बाद मेरी पेंशन उनसे कम बैठ रही है, और वो लोग अपना गुजारा कर लेंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा, ये बताइए आप। अभी तो ये बस जनपद स्तर पे हमारा प्रदर्शन है, आगे हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, लेकिन अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी शिक्षक संगठन जो हमारा है उसके बैनर के तले अभी ये शुरुआत करी है दोबारा से। तो जो देश में अभी चल रहा है प्रदर्शन, इस पे इसके ऊपर तो विचार आप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर तो फिर बस एक भैंस जो है वो अंधे के हाथ में पहुँच गई है, कुछ भरोसा नहीं कि अब क्या हो जाए, उस बारे में हमसे कुछ मत पूछो। लेकिन हमें इतना पता, हम भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय रहेंगे, और किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिया जो हमें ये चीज़ तमगा हमसे छीन ली, हम तो साफ इतना गए। मैडम, आपका नाम? रंजना भट्ट। और आपकी सरकार से क्या शिकायत है? सरकार से हमारी यही शिकायत है कि वो सब मुद्दों पे काम करती है, राम मंदिर पे भी काम करती हैं, 35A पे भी काम करती हैं, नागरिकता पे भी काम करती हैं, लेकिन इन सब से पहले पेंशन होनी चाहिए। बंदा इतना काम करने के बाद रिटायरमेंट में खाएगा क्या? क्या खाएगा वो? पहले एक दिन की सब्जी नहीं आएगी, दूध नहीं आएगा, इसके आगे सारा अंडरस्टूड है। नई पेंशन योजना में ऐसी क्या, मतलब ऐसी क्या आपकी शिकायतें हैं जिसकी वजह से आप ये प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पैसा कटता है और जो सरकार का कुछ पैसा आता है वो कहाँ जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो बाद में मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये भी कोई पक्का नहीं है, और बाकी कमियां ही कमियां हैं मैडम। तो और आगे क्या, मतलब प्रदर्शन के बाद आपके आगे क्या प्रोग्राम है? प्रदर्शन के बाद अभी आगे जुलूस निकालने का प्रोग्राम है? जी हाँ जी। आप कुछ कहना?
पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है हमारी भावी पीढ़ी के लिए, नहीं तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बेटी बेटियों का क्या होगा, इसलिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है। सरकार सब मुद्दों पर काम कर रही है लेकिन पुरानी पेंशन के लिए नहीं, जो है सब MP MLA सबको जो है पुराने पेंशन है, लेकिन टीचर्स या और भी जितने भी हम सरकारी कर्मचारी उन लोगों को जो है पेंशन नहीं है वो ज़रूरी है। नागरिकता संशोधन कानून पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश में प्रदर्शन हो रहा है, इस मामले में आपका क्या कहना है? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस पर, आपका कुछ नहीं कहना है? ओके, आगे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? NPS की मांग है। तो आपने देखा कि शिक्षकों में कितना रोष है सरकार के खिलाफ, और पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है इसे लागू कराने के लिए सरकार से अपील है, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जो प्रदर्शन है वो उग्र भी हो सकता है। इस तरह की बातें यहाँ पे शिक्षकों से हमें सुनने को मिली है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे शिक्षक जो है बड़ी संख्या में मौजूद है और सरकार को लेकर इनकी जो मांगे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो लागू कराई जाए और जो नई पेंशन में काफ़ी सारी खामियाँ हैं इसके लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रदर्शन के बाद 2 बजे के बाद इनका जुलूस यहाँ पर है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्ट्स इंडिया।